Good morning, dear my students. Today I will take a new topic, framing of Indian Constitution. How the Indian Constitution was framed. Actually, आज हम देखेंगे कि कैसे भारतीय संविधान का खाका तैयार हुआ. आपका UPSC का RO ARO का डेट भी आ गया है 11 फरवरी. सो आप लोग जुड़िए और ये मेरी गारंटी है, पॉलिटी के सवाल आपके 100% सही होंगे. सो आई विल सी द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलते हैं चाहे कोई एग्जामिनेशन हो. इसके पीछे कुछ समझना है. नाउ इट इज द ईयर 1945 में वर्ल्ड वार टू खत्म हो चुकी है, इंग्लैंड का भी हालत बुरा है. अब वो भी चाह रही है कि हमें सत्ता को हस्तांतरण करना ही पड़ेगा. वी हैव टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया. और ये रूल करने के स्थिति में नहीं है. सो इन 1946 इन द मंथ ऑफ मार्च they introduce a plan with cabinet mission plan. ये इंग्लैंड में पारित होते हैं कैबिनेट मिशन प्लान. ये इसके तहत तीन मिनिस्टर्स इंडिया भेजे जाते हैं. एवी एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस. यहां से सवाल आते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या एवी एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस. एक कैबिनेट मिशन का प्रपोजल होता है कि मैं तो आपको पावर ट्रांसफर कर दूंगा, तब जब तक नहीं तब तक आप अपना देश का एक संविधान बना लीजिए. और ये संविधान बनाने का प्रस्ताव के लिए आपको गठन करनी होगी क्या, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा ओके. यहां तक देखें 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है. तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं इंग्लैंड से इंडिया. एक प्रपोजल लेके आते हैं कि आप को मैं देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर. बिफोर दैट यू शुड मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर कंट्री. आप संविधान और एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल कहाँ होता है, कैबिनेट मिशन प्लान में. सवाल आ जाए
कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज बाय हुम कैबिनेट मिशन प्लान एंड दिस थ्री वेयर मेंबर्स इन कैबिनेट मिशन प्लान. अब बात है संविधान सभा की, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की. कंस्टिट्यूएंट असेंबली अब इसके इसका गठन कैसे होंगे, इसके मेंबर चुने जाएंगे. तो इस तरह इस समय ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के राज्य होते हैं. इनके क्या होंगे मेंबर्स, टोटल 389 मेंबर थे संविधान सभा में. टोटल मेंबर कितने थे 389. दो तरह के स्टेट्स होते हैं, प्रोविंसेज प्रोविंसेज और स्टेट्स. प्रोविंसेज में डायरेक्ट रूल ब्रिटिश का होता है, टोटल इंटरफेरेंस ब्रिटिश का होता है, जबकि स्टेट्स में कंट्रोल तो है क्राउन का, ब्रिटिश का, बट यहां पे राजा का कॉन्सेप्ट है. जैसे मैसूर, बड़ौदा, ये प्रोविंसेस में ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते हैं. यहां डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, यहां आईसीएस से चुने वाले आईएएस हैं, ब्रिटिश गवर्नर हैं. ए तो इस तरह से प्रोविंसेस से और स्टेट से चुने जाते हैं मेंबर्स 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर का होना है. इस तरह से टोटल 389 मेंबर हो जाते हैं. क्लियर है. पॉइंट टू बी नोटेड, ये प्रोविंसेज टोटल पॉपुलेशन का 60% हुआ करता था और स्टेट्स 40%. प्रोविंसेज में इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे. क्या होंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे. और स्टेट्स में नॉमिनेशन होंगे, नेशन होंगे. ने ब्रिटिश सेक्रेटरी उस जो रहेगा स्टेट का, और राजा जिनको मनोनीत कर जाएंगे वो सदस्य बन जाएंगे संविधान सभा का. इसके कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वो सदस्य बन जाएंगे. यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा. अब बात है कि संविधान सभा कैसी बॉडी है जिसमें 60% लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं और 40% लोग नॉमिनेट होके आ रहे हैं. तो वी कैन से दैट संविधान सभा कंस्टिट्यूएंट असेंबली इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. कुछ कुछ इलेक्टेड हैं और कुछ नॉमिनेटेड हैं. यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 आई थिंक एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के रेफरेंस में, संविधान सभा के रेफरेंस में स्टेटमेंट था जिसमें कि इट इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. संविधान सभा इज बोथ, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होता है और नॉमिनेशन भी हुआ करता था. तो वी कैन से कंस्टिट्यूएंट असेंबली इज बोथ इलेक्टेड, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. ये नहीं है कि पूरा यहाँ नॉमिनेशन से ही मेंबर्स थे या पूरा
इलेक्शन से ही थे, कुछ चुने भी गए थे और कुछ मनोनीत भी किए गए थे। सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इस तरह से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, इसमें मेंबर्स आ जाते हैं। 389 मेंबर हैं, प्रोविंसेस से भी हैं, स्टेट से भी हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे इस चीज को। अब जब संविधान सभा बन जाती है अब ये चलते चलते 1946 का जुलाई अगस्त सितंबर आ जाता है, ऐसी आगे बढ़ते बढ़ते दिसंबर आ जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती, क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान सभा। इसमें देखते हैं सबसे ओल्डेस्ट संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ मेंबर हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए इनको टेम्पररी प्रोविजनल प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है, और ए 11th of December 1946 को चुनवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट और एससी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। अब यहां से सच्चिदानंद सिन्हा का काम खत्म हो जाता है। फर्स्ट मीटिंग संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 होती है, प्रोविजनल प्रेसिडेंट तत्काल और प्रोविजनल अस्थाई तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठ मेंबर है संविधान सभा के, इस स्तर पे चुन लिया जाता। और फिर 11 दिसंबर को जो मीटिंग होती है तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट और एससी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता। अब यहाँ से एक संविधान सभा एक ऐसा बॉडी बन गई है दैट हैज मेंबर्स, इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट बोला तो भारत का नहीं, ये मत समझ लीजिएगा कि भारत का, दिस मीन्स हियर ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ
कंस्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का बन गए हैं, भारत का भी नहीं बने हैं। थर्टींथ ऑफ दिसंबर 1946। नाउ हियर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज पास्ट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देशिका पत्र जारी किए जाते हैं, मीन्स इसमें उद्देश्य है कि संविधान बना रहे हैं तो संविधान कैसा हो, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सरकार के क्या दायरे हो, पावर्स क्या हो, फंडामेंटल राइट क्या हो, डीपीएसपी क्या हो, ये सब बातें आती हैं। तो अदर पार्लियामेंट के प्रोविजंस क्या हो, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूछे एग्जाम में। इट वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाई और फ्रेम्ड बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान में बनाने में ये पहला डॉक्यूमेंट है। कौन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज प्रेजेंटेड बाई जे एल एन जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज फ्रेम बाई जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? मीन्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि इस क्या ऑब्जेक्टिव है ये बनाने का कि जो संविधान हो कैसा हो, सुवरेन हो, संप्रभु हो, प्रजातांत्रिक हो, यानी जो यानी उसमें कैसा हो संविधान, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। इस तरह से संविधान अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद। दिस वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू। इसके बाद ये कैसे हैं हो इसके लिए वेरियस कमिटीज बना दिया जाता है। बहुत सारे वेरियस कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड, वेरियस कमिटीज और एंड दिस। तो कमिटीज क्या पे, जैसे सोवरेन हो तो उसके लिए कमिटी, डेमोक्रेटिक हो तो उसके कमिटी, यूनियन के क्या पावर हो, स्टेट के क्या पावर हो, ये सब सब के लिए कमिटी। तो इस बहुत सारे कमिटी बन जाते हैं। उसके कमिटी के हेड जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, कुछ के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और मेनी मोर। और इस तरह से एक कमिटी रिपोर्ट्स बना देंगी। इस तरह से अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आगे धीरे धीरे ये जो कमिटीज बन के फिर वेरियस रिपोर्ट्स, कहने का मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसकी डिटेलिंग हो रही है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क शुरू हो जाता है और आगे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है। यहाँ आज की क्लास में यहीं तक देखेंगे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल सी द अदर पार्ट्स एंड दैट हाउ दिस फुल कॉन्स्टिट्यूशन आर फ्रेम। सो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि उद्देशिका पर। दिस मीन्स दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर मोटिव बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, लाइक दिस। एंड इट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आज के क्लास के लिए इतना ही, और आगे अगला क्लास में मैं देखूंगा कि कैसे वेरियस कमिटी रिपोर्ट्स तैयार करके डिटेलिंग करके वो फिर 26 नवंबर तक, फिर 26 जनवरी 1950 तक एक कैसे कमेंस हो जाते हैं, इन्फोर्स हो जाते हैं। सो एट एसटीपी एकेडमी, जो और इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम एंड ज्वाइन एट द ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।